जहन दोस्तों, ये मनप्रीत डेयरी फतेहगढ़ साहब पंजाब में है, लांडरा गांव। तो मनप्रीत जी और ये गुरप्रीत जी दोनों भाई हैं और इनके पास ये जो आए हुए हैं किसान, ये कई बार आ चुके हैं। तो जो इन्होंने गाय खरीदी हैं उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दत्ता ढोकरे। दत्ता ढोकरे कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अकोले। संगमेर अकोले। अकोले। कितनी गाय खरीदी आपने? अभी एक ही खरीदी आज। एक ये जो घुमाई है? हाँ। तो क्या दाम लगाया इसका? इसका 1.45। 1.45। बहुत अच्छी बनावट है। नहीं, गाय तो अच्छी है। प्रेग्नेंट है? नहीं, दो दाँते खाली सुई हुई है। ब्याही हुई है? ब्याही हुई। क्या दिया इसने? बछड़ा। तो दूध कितना है? दूध इसके नीचे अभी 25 किलो है। आपने देखा? अभी हम लोग हर रोज चोते हैं ना यहाँ। अच्छा, कितनी बार देखा मिल्किंग करा के? चार दिन देखा। 25 किलो दे रही है? हाँ, दे रही। चार दिन की है। दे रही, दे रही। कितना तो और बढ़ जाएगी? हा? और कितना बढ़ जाएगी? और बढ़ेगी या न बढ़ेगी वो तो बात अलग है, लेकिन 25 तो देगी देगी। अच्छा, तो दाम लगाया 41। 1.45। तो इसमें कुछ गड़बड़ बता रहे हो, आगे बेचनी है जाके? क्या नहीं यार, हम खुद फार पे जाके खड़ी करती है, हम लोग खुद छोटे गए। क्या सच कह रहे हैं? ना सच है। एक पिछली बार आया था, एक 1.45 की। हाँ जी, 1.45। दो दांत है जी बछड़ी। दो दांत तो है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब ब्रेटी उसकी देते हैं ना ब्रीड, तो फिर दांत नहीं देखते हैं, ब्रीड देखते हैं। नहीं, दांत भी देखते हैं। दांत भी देखना चाहिए जी। हाँ, ऐसे चलो बूढ़ी तो वैसे ही पता चल जाता है। बूढ़ी गाय की ब्रीड होती है ना जी। हाँ। अभी जो बूढ़ी भी होगी जी, जब इसके दांत पूरे हो जाएंगे जी। अच्छा। फिर इसके दांत थोड़ी दांत नहीं देखेंगे, फिर इसके ब्रीड भी देख, सब कुछ देखना पड़ता है। कितने दूर तक जाएगी अगली ब्यांत में ये? ये अगली ब्यांत में अगर मान लिया तुम्हारे पास हो, तुम इसकी अच्छी फीडिंग करो। हाँ जी। तो कितने दूध पे चली जाएगी? सर जे इस ब्यांत में जी 33-34 लीटर दूध देगी जी। अच्छा। अभी इसका 25 लीटर भी मतलब 5-6 रोज को खाली हुई को सामने निकालते हैं, डेली निकालते हैं जी, 25-26 लीटर अभी चालू है जी। तो 1.45 की महंगी तो नहीं है? महंगी सर जी, इसकी उम्र के हिसाब से महंगी नहीं है। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र अभी लगभग 22 महीने की हुई है जी। दो साल की नहीं हुई है? ना, दो साल की नहीं हुई जी। दूसरे नंबर पे आ गई। हाँ जी सर जी। ये भी बढ़िया है? हाँ जी बढ़िया, एक से ब्रीड में है, पूरी फुल ब्रीड में जी। ब्यांत कौन सी है? चौथी? नहीं, तीसरे ब्यांत में भी बच्चा देगी जी। तीसरे में? हाँ जी, तीसरे में जी। भाई 2.5 महीने के लगभग। पहले कितना दूध दिया इसने? पहले 40 लीटर के लगभग दिए जी इसने। 40 लीटर? हाँ जी दिया। वो दिख रही क्वालिटी? क्या मालूम? नहीं सर, क्वालिटी दिख रही है ना जी। बाकी जिस फार्म से लिए है उनको फार्म भी दिखाया जी, सभी धोकर लिया, ऐसे नहीं है जी। 23 लीटर अभी दूध रेडी है नीचे इसके नीचे। देखो 40 लीटर वाली बात तो को सच तो मिल्किंग ही करेगी, चाहे किसी फार्मर से कहलवा लो, चाहे किसी बड़े डॉक्टर से कहलो, कुछ नहीं। वो तो जब मिल्किंग करोगे तभी प्रमाणित बोलने से नहीं होता जी। हाँ। जब करेंगे, जब पता चलेगी जी। तो ये 40 दे देगी? कोई भी करवा सकता हमारे पास। तो अभी कितनी देर की प्रेग्नेंट है ये? 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। अभी तो फिर टाइम बहुत है। टाइम बहुत पड़ रहा जी। इन्होंने चॉइस ही थोड़ी सी गाय की ऐसी रखी भी दूध भी दे हमें और प्रेग्नेंट भी रहे। अच्छा, बात से आगे को खाली भी हो जाएगी ना। तो कितने महीने अभी और मतलब इसको ड्राई नहीं करेंगे? इसको कम से कम 3-3.5 महीने और ड्राई नहीं करेंगे जी। 3-3.5? हाँ जी, हाँ जी। क्या दाम की है ये? 1.10 की ली जी। 1.10? हाँ जी। पैसे बहुत ज़्यादा लगा दिए? पैसे सर जी, गाय अच्छी है जी, गाय के ऊपर। तुमने 60-60 कर ली होगी? 60-60 तो कुछ नहीं। अच्छा चलो, पैसे की बात, तुम लोग फंडर उठा के ला देते हो, हमने देखा जा दाव लग जाता। मैं बताता हूँ ना, फंडर की बात है, बंदा बैठा नहीं आपके सामने जी, इसके पास ही फंडर गई है गाय। तुमने भेजी? नहीं, हम मैं भेजी हमने नहीं जी, फार्म वाले से ली जी। इन्हों के सामने ली, उसने बोला 8 महीने की प्रेग्नेंट है। हम उसका दूध भी हाथ से निकाला तो पूरा चीक चल रहा था। अभी वो पता नहीं कैसे क्या करा उसने, क्या हुआ, वो चीक भी था। ये चार आदमी आए थे, चारों ने दूध निकाल कर देखा, पांचवा मैं भी था, ऐसे नहीं मैं नहीं बोल रहा मैं नहीं था। जब दूध निकाल कर देखा, हाँ चीक थी। तो गाय की जो तबीयत थी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर गाय थी जी। तो उसके बाद हमें घर पर ले आए, मारा अटर में चल गई। इन्होंने 15 दिन के बाद चेक कराया भी, गाय अटर नहीं छोड़ रही, कि 8.5 महीने की प्रेग्नेंट होगी। जब गाय के अंदर हाथ डाला तो गाय के अंदर बच्चा ही नहीं था, उसके अंदर गांठ थी बड़ी सारी। वो गाय प्रेग्नेंसी ना होने के कारण बड़ी हो गई थी, साइलेज खा के ना मोटी हो गई थी, इस कारण थोड़ा सा बलेखा खा गए थे। पर नहीं, फिर भी इनकी हमने मदद करी, अभी इनको एक गाय और लेकर दी है। हाँ, उस फंडर गाय के बदले में। कितने की? पर उस फार्म से नहीं ली,
पर हमने कुछ से रابطہ करके की थोड़ा सा करके लिए। उसका पैसा नहीं लिया कितने की है गाय वो? इन्होंने तो खरीदी होगी कहीं से। इन्होंने कितने में खरीदी वो तो पता नहीं। नहीं मालूम कितने खरीदी तुमने? नहीं वो उसकी बात छोड़ो, बताऊँ क्या बात है। देखो जी हमें आप वो खरीदने में तो मुफ्त नहीं लाए कहीं से? मुफ्त हम नहीं लाए, मैं बताता हूँ ना जी। हाँ। देखो वो बात है, इनों के साथ मैं रबता आगे से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए इन्हों को गाय दी है। नहीं कोई गाय नहीं देता, फंडर जे गाय उधर चले गई। तुम्हारा कसूर ही नहीं फिर तुमने क्यों दी? मैं बताता ना कसूर की बात, मेरा बिल्कुल कसूर नहीं है जी, कसूर तो मेरा है नहीं। अभी हमने ग्राहक देखना ना अपना जी, ग्राहक के हिसाब से मदद करनी चाहिए किसान। तो कहीं और से पूरे करोगे? नहीं पूरे बताऊं सर जी, इनों से पूरे करेंगे हम, ऐसे नहीं। जे अच्छी गाय होंगी ना इनों से 5,000 हम बद लेंगे। अच्छा। अच्छी गाय में दे देंगे ये? हाँ देंगे जी, सामने बैठे ये आगे तीसरे नंबर के। हाँ जी सर जी। तो बछिया है? बछिया है जी। दांत? दो दांत है जी। ये भी दो दांत है? पहले वाली दो दांत थी? पहले वाली। नमस्कार, क्या नाम है? डॉक्टर सागरगोड़ से। डॉक्टर कितना पढ़े हो? हमारा बीकॉम होने के बाद वेटरनरी डिप्लोमा किया है। वेटरनरी डिप्लोमा किया? वेटरनरी के डॉक्टर? वेटरनरी डॉक्टर। हम समझे कहीं आदमियों के डॉक्टर? नहीं नहीं आदमी को नहीं, वेटरनरी डॉक्टर। कहीं ये वही टीके उधर तो नहीं लगा देते? नहीं एनिमल के डॉक्टर। एनिमल का लगाते? कितने पैसे कमाते हो? वैसे तो अभी नहीं, क्या 2,000-3,000 रोजाना? रोजाना 1,00,000 हो जाता है महीने में। हाँ अभी उसके कभी। पशु कितने रखे हैं घर पे? हाँ 20 गाय अभी। 20 गाय? कितना दूध होता है? दूध अभी चल रहा है 150-200। 150-200? तो क्या रेट जाता है? रेट जाता है अभी 38-39। तो क्या मुनाफा रहता है उधर का डेयरी का? डेयरी का ऐसे हमारे यहाँ पे एक 40% फीड में जाता है, 60% मुनाफा रह जाता है। कितना? 60% 60% रहता है। तो नौकरी से तो बढ़िया है? नौकरी से तो एक नंबर। विदेश जाने से ही बढ़िया है? विदेश जाने से। सुन लो भाई, ये बीकॉम किया है इन्होंने और वेटरनरी डॉक्टर का कोर्स कर रखा है इन्होंने, और 1,00,000 रुपया उधर से कमाते हैं, डेयरी से भी पैसे कमाते हैं, करीब 2,00,000 रुपया महीना। अब इनके लिए विदेश क्या चीज़ है? क्यों भागें विदेश? आजकल तो एक बात खास है, जब भी कोई आपका लड़का बड़ा हो जाता है ना, लोग कहते हैं कि DSP बन जाए, SSP बन जाए, अफसर लग जाए, लेकिन अब लोग क्या कहते हैं, हमारा लड़का बाहर चला जाए। पंजाब की खासियत तो यही है जी कि हरियाणा की भी कि हमारा बाहर चला जाए। इन्हों को फार्म दिखाए मैं कई अभी। हाँ। कम से कम इन्हों को 30 फार्म दिखाए हैं जी। वो बोलते कनाडा जाने जो बंद हो रहे हैं सिर्फ कनाडा के कारण, कनाडा इंग्लैंड के कारण। जिसको पूछते नहीं, अब ये 2,00,000 रुपए यहाँ कमा रहे हैं तो इनके लिए विदेश क्या चीज है? नहीं मैं तो आप बोलता हूँ, इधर ही धंधा करेंगे बढ़िया रहेंगे। एक तो हम परिवार में रह रहे हैं इधर, ये उधर जाएंगे अकेले जाएंगे, परिवार से बिन थोड़ी रहे होता है। अच्छा ये जो बच्चे तुमने घुमाई है? हाँ जी। दो दांत? दो दांत है जी, प्योर दो दांत। वो तो आपने ब्रीड में है, कैमरे के सामने दिखा दिया आपको। ब्रीड है? ब्रीड फुल ब्रीड है जी। कई बार आंखों से देख के भी धोखा हो जाता है? नहीं नहीं आंखों से। तो मैंने बताया कि प्रेग्नेंट लगती थी लेकिन थी नहीं। नहीं सर जी वो मैं बताता ना, एक तो बीच में नहीं ना बढ़ सकते हम, उसके देखने से तो परख सकते हैं हम। अभी ये देखने से तो पता चल गया ब्रीड है। कितना दूध देगी है ये? पहली ब्यांत में 40 लीटर चलेगी जी। कितने की है ये? लिए हमने जी 1,75,000 की। 1,75,000 की जी। इसकी हाइट मुझे लगता है 25-30,000 तुमने रखे होंगे। नहीं नहीं ये 6 फुट हाइट है जी इसकी। 6 फुट? यार उससे आदमी से नीचे है। नहीं डॉक्टर साहब को खड़ा है, डॉक्टर साहब ने खुद चेक करके लिए जी। इन्होंने ना नीचे, मैं कहता जो हमें पीढ़ी नहीं रखते नीचे, उसके ऊपर खड़े होकर चेक किए जी इन्होंने। अच्छा। हाँ जी डॉक्टर साहब की हाइट लगभग 7। ये जो गर्भाशय में रसौली हो जाती है, गांठ बन जाती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कश्मीर में एक गाय गई थी, हमने वहाँ जा कर के देखा, उसका कंट्रोवर्सी हुई थी। वो कहता है कि हमने 11 महीने तक हम इंतजार करते रहे कि ब्याह जाएगी, उसने कहा कि प्रेग्नेंट है। 11 महीने तक नहीं ब्याई, जब चेक करवाई तो पता लगा कि उसमें बच्चा नहीं बल्कि रसौली है पेट में। और गाय 1,12,000 की गाय थी। ऐसी समस्या थी जी इनों की गाय कोई। अच्छा। उसके भी अंदर रसौली थी, जो उसको प्रेगनेंसी चेक करता ना वो 3 और 4 महीने की बताएगा जी। कितना दूध दे देगी जे वाली? 40 किलो दूध देगी जी पहली ब्यांत में जी। हाँ जी 40 ऐसे WWS कंपनी का सीमेंट से। आपका अनुभव क्या कहता है, 40 दे देगी? दे देगी, दे देगी, पक्का दे देगी, इसलिए दाम लगाए। आपने खरीदी है? मैंने खरीदी 1,75,000 की। 1,75,000 महंगी नहीं है? कुछ नहीं महंगी लगती है। कितना घुमाया ये? घुमाई है जो ये? हाँ। क्या सिखा के गया तुमको ये? कौन? कुछ कान में ये बोल रहे 95 की है। देखिए 95 की बोल देना। कितने की है ये? 90 की। 90 की है ये? 5,000 अधिक बोल रहा है। 5,000 ज्यादा बोल रहा है। उसका कारण क्या था? क्या मालूम अभी उसके ऊपर। कितना दूध दे देगी?
ये दूध देगी मेरे ख्याल से 20-22 लीटर 20-22 देगी। तो पहली बात है, पहली बात दांत कितने कर गई, ये 6 दांत होगी मेरे। ब्रीड के बारे में क्या कहोगे इसके? ये ब्रीड इधर का है, एबीएस का ब्रीड है। एबीएस का नहीं, ब्रीड फुल है। हाँ ब्रीड है। या कुछ क्रॉस है? नहीं नहीं, फुल ब्रीड, फुल ब्रीड है। 95,000। कितना समय ब्याने में? ब्याने में 2 महीना बाकी है अभी। 2 महीना बाकी है, 7 महीने। तो अगर जब तैयार हो जाएगी फिर कितने की हो जाएगी? तैयार होने के बाद हो जाएगी अभी 1.25 लाख की। तो वहाँ तुम्हारे महाराष्ट्र में कितने की बिक जाएगी? ये महाराष्ट्र में अभी लेके जाएंगे तो बिकेगी 1.5 लाख को। अभी अभी में ब्याने के टाइम इतना महंगा है, इतना महंगा हो गया है महाराष्ट्र में। जैसे ब्रीड इधर अच्छा मिलता है। कितना भाड़ा लगा है ट्रक का? ट्रक का भाड़ा लगता है 12-13 हज़ार रुपये। 1 लाख? 1,12,000-13,000। 1,10,000 मतलब एक कहने का भाव इन्हों का भी इनको एक गाय का बता कहने का मतलब 11,000 रुपये एक गाय के ऊपर। अच्छा 11 एक गाय के ऊपर। हाँ 10 गाय डलती है ना गाड़ी के बीजे उस बताने के। पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आया, इससे पहले नहीं आए। नहीं। कैसे आ गए? वो दोस्त के साथ आ गए। अच्छा, इतना तो कुछ मालूम नहीं था। तुमको मालूम नहीं? गाय रखते हो? कितनी? कितनी गाय? नहीं बच्चे ही लिए मैंने, 4 बच्चे। नहीं पहले घर पे कितनी है? घर पे 3-4 गाय है। ज्यादा दूध वाली कम वाली? 25-30 वाली है। 25-30 वाली कहाँ से लाए थे वो? वो उधर ही नॉर्मल लोकल एरिया से। तो 25-30 वाली यहाँ से ले जा रहे? नहीं यार, अभी वो दोस्त आ रहा था तो देखा, बोला अच्छा ब्रीड है मगर मिला नहीं मेरे। वो कितना कमीशन लेगा वो? कौन? वो दोस्त? नहीं उसको कोई कमीशन। तुम कैसे कहते हो? नहीं लेगा वो तुमसे, अलग हट के साठ गांठ कर लेगा इनसे। नहीं लेगा। करते हैं ऐसे सब? करते होंगे अपनी मर्जी। तुम्हारा दोस्त नहीं करेगा? नहीं करेगा। तुमको विश्वास है? हाँ विश्वास है। ये जो सही कर, नहीं बिल्कुल बात जो तो सही साथ कर लाते हैं सरगना। मैं बताता हूँ ना, करते हैं कई लोग करते हैं जी, मैं ऐसे ही बोलूँ नहीं करते, वो भी गलत बात है ना जी। करते हैं जी, जिसका काम है वो करता है। मतलब पर इन लोगों के साथ जो बंदा है कोई नहीं कमीशन वाला जी। वो कितनी बार आया तुम्हारे पास? वो भी दूसरी बार आया मेरे पास, दूसरी तीसरी बार। ये जो बच्ची तुमने दिखाई? हाँ जी हाँ जी। तो प्रेग्नेंट है? अभी नहीं, नॉन प्रेग्नेंट है जी। अभी नहीं प्रेग्नेंट? कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र अभी 18 महीने की है जी। इसकी ए आई कल की है हमने। कल की है? हाँ जी। इनको आप देखते हैं ठहरती है नहीं ठहरती? हाँ नहीं, सामने की जिनों की। हाँ ए आई 2 बार इंजेक्शन डाल दिया। हाँ। पहले सुबह डाला फिर शाम को डाल दिया था। कौन सा? तो 2 बार डालने का क्या फायदा? वो फायदा ऐसे ना जी, कई बार अभी ऐसे नहीं ना पता चलता। ये भी रात की हीट में आई थी, भी कब की आई हीट में पता नहीं चला, पता नहीं चलता ऐसे जी। तुम्हारे पास कब से खड़ी है? मेरे पास तो आज ही आई जी। आज ही आई है? हाँ जी। इसलिए नहीं पता चला? नहीं पता। कल हमने जिस फार्म से ली जी, उस फार्म में सुबह गए थे, उन्होंने एआई तुरंत कर दी थी हमारे सामने। अच्छा। उसके बाद उन्होंने सामने की, उसके बाद शाम को की एआई। तो वो बोल रहे थे हमें पता नहीं चला था, इसलिए ये 2 बार इंजेक्शन डाल रहे हैं। किसी भी इंजेक्शन से जा सकती है। कंफर्म है कि एआई मतलब हीट में आ चुकी है? बिल्कुल सही बात है जी। इनके सामने बांधी हुई थी बछड़ी जी। अच्छा। फार्म के बीच इसके गल में रस्सा डालकर क्या पहचान रहती है हीट में आ गई? तो हीट में एक तो बछड़ी ऊपर चढ़ने लग जाएगी मीटिंग करने के लिए जी। हाँ। एक तारे देने लग जाती है जी। अच्छा, तो ये लक्षण दिखा रही थी कुछ? हाँ लक्षण बिल्कुल दिखा रही थी जी। क्या दाम की है ये? ये 2,50 की ली है जी। 48,000? 48,000। इतनी महंगी क्यों है? महंगी नहीं जी, एबीएस की है जी, एबीएस बनूट की है जी ये। हाँ जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अवशरम बनूरंदे। आप तो पहले आ चुके हैं इनके पास? आए ना। कितनी बार? 1 महीने के बाद। कितनी गाय ले गए थे पहले? 3 गाय लिए। 3 गाय? कितने पैसे लगे थे? 4.25 लाख। तो दूध कितने वाली थी? दूध दोनों दूध वाली थी, एक गाबन थी। ब्यागी सारी? नहीं ब्यागी, वो अभी ब्यागी। ब्यागी। कितना समय बाकी है उसका? 15-1 दिन बाकी था। जो जो दो दूध दे रही, कितना दे रही है? 40 लीटर दे। एक गाय? नहीं दोनों गाय, 20-20 लीटर। 20-20? कितने की ले गए थे फिर? वो 1.90 पर। 1-1 लाख की? हाँ 1-1 लाख। तो 20-20 लीटर दूध दे रही है, तो कम दे रही है फिर? अभी प्रेग्नेंट थी वो जी। वो मतलब वहाँ जाके भी आई है? नहीं नहीं, इधर ही प्रेग्नेंट, 4-4, 3-3 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसीलिए 20-20 लीटर दे रही है। दोनों 40 लीटर दे रही हैं। अच्छा। हाँ जी, दो दांत की बछड़ी थी, प्रेग्नेंट भी हुई हुई थी, साथ में दूध भी दे रही थी। अच्छा। इस बार भी इन्होंने ऐसी चॉइस खरीदी है, प्रेग्नेंट भी है तो दूध भी है। ये जो घुमाई है? हाँ जी, 4 दांत है आपके कैमरे के सामने। बड़ी अच्छी गाय है? हाँ जी अच्छी है जी। ब्रीड में है? ब्रीड में फुल जी। हाँ। तो इसके नीचे 33 लीटर दूध है जी, निकाल कर लिया, और 4 दांत है, और 2.5 महीने की गाबन भी है। 33 लीटर दे रही है? हाँ जी। कितने की लिए? ये लिए 1,75,000 की जी।
175। हाँ जी, रेट ज़्यादा नहीं बोल रहे सर। मछली की क्वालिटी देखिए जी, पहले चार दांत है जी और दूध 33 लीटर चालू, 40 तक जाएगी अगली। प्रेग्नेंट ढाई महीने की। कौन सी ब्याह था इसकी? इसकी पहली में ब्याह जी। अच्छा पहली, अब दूसरी बार ब्याह? अभी दूसरी बार ब्याहेगी जी। 175 की? हाँ 175 की जी। 33 लीटर दूध दे रही? हमारा सर काम ऐसे नहीं है, आपके कैमरे के सामने रेट कम बताना। कई लोग ऐसे होते हैं 60-60 हज़ार की गाय बता देते हैं आपके कैमरे के सामने, ग्राहक उसको देख कर आ जाता है उसके पास में। कोई व्यापारी कुछ कहता नहीं, है नहीं, किसकी माने? नहीं माने नहीं जी, मैं आपके कमेंट भी आएंगे जी, वो 60 हज़ार की कीमत बता देता है 30 लीटर वाले की जी। जब व्यापारी उधर से किसान लोग लेने आते हैं इधर आके, फिर वो गाय 60 हज़ार में थोड़ी मिलती है जी। अब क्या तुम्हारी गारंटी है कि देगी दूध ये? इतना गारंटी मेरी नहीं है जी, मैं इधर निकाल के आपने मिल्किंग करवा दी? मिल्किंग करा कर दी है जी। इसमें ये खैशराइसी का से ना, वो अच्छी वो ब्रीड है, अच्छे ब्रीड है। ब्रीड में फुल है? फुल ब्रीड है जी। पहली बार भी आएगी? पहली बार बच्चा दिया हुआ है जी। इसने क्या दिया इसने? ये अभी मतलब 5 महीने की प्रेगनेंट है। हाँ। और दूध इसके नीचे 23 लीटर अभी निकल रहा है जी। 5 महीने की है? गाभन है जी। अच्छा, पिछली ब्याह में क्या दिया था इसने? इसने बछड़ा दिया था पिछली ब्याह में। अच्छा, वो छोड़ा है वहीं पे? नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ पर गया बछड़ा जी। 5 महीने की बात है जी। अच्छा। 5-3 महीने बाद प्रेगनेंट भी हो गई। 23 लीटर दे रही है? 23 लीटर। मिल्किंग करवाई आपने? ओ मिल्किंग। तो कितने दाम की है ये? 155 की जी। 155? हाँ जी। दूध निकाल कर लिया, सभी कुछ चेक कर कर, डॉक्टर इन के साथ में है, प्रेगनेंसी चेक की है जी, वो फंटर गाय कारण के होने के कारण डॉक्टर इस बार साथ में लेकर आए जी। ये जो मन है ना मन, हाँ जी, ये आपको अच्छे काम करने से रोकेगा। हाँ जी, हमारे मुर्शिद भी कहते हैं कि अच्छा काम कर, इसका काम है कि रोकना, इसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। बहुत बहुत शाते रहिए, और अगर अच्छे काम करते रहोगे, हाँ जी, उसके रोकने के बावजूद, तो तुम्हारा नाम भी होगा, तुम्हारे ग्राहक भी पक्के होंगे। नहीं, अभी मैं आपको बात एक बता देना, जो संगम नेर के पास पंपलदरी गांव है जी, नौका जी, उस गांव में तकरीबन मैं कहता मैंने 700-800 गाय बेच दी एक साल में, उस गांव में पंपलदरी में 700-800 गाय, हर घर में एक गाय मेरे नाम की पक्की है जी। हम वहां जा रहे हैं। हाँ, आपको चलेंगे साथ में भी। चलो नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।